दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं जांच घर, डॉक्टर जी सरन जांच घर रांची, रिम्स के बगल में ही है। तो हम लोग जा रहे दोस्तों भी अंदर ब्लड देने के लिए प्रीति जी का। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में सब खुश होंगे। दोस्तों भी सुबह के 7:30 बज चुके हैं। दोस्तों हमारी ओर से आप सबको ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों भी हम लोग खाना खा के तैयार हो चुके, रेडी हो चुके, भी हम लोग रांची में ही हैं। तो आज जा रहे दोस्तों डॉक्टर से दिखाने के लिए प्रीति जी को लेके। तो भी हम लोग को जाने में करीब 1 घंटा लगेगा यहाँ से। तो हम लोग पहले दिखा दो दोस्तों तुम मेडिका में, तो मेडिका में डॉक्टर बैठने छोड़ दिए, तो अपना घर में ही बैठते हैं। और अभी फिलहाल डॉक्टर बैठते दोस्तों पारस मेडिकल, पारस हॉस्पिटल में। तो संडे को अपने घर में वो बैठते हैं, तो संडे को अपने घर में बैठते हैं, तो संडे को बुला लेते कि घर ही आ जाना, हॉस्पिटल नहीं जाना, पारस हॉस्पिटल। तो घर ही जाते हैं, घर ही में दिखा लेते हैं। और पहले जाएंगे दोस्तों ब्लड टेस्ट के लिए देंगे प्रीति जी का, देखते हैं रिपोर्ट क्या आता है। इसके बाद फिर डॉक्टर के पास दिखाएंगे और इस बार का रिपोर्ट देखते हैं दोस्तों कैसा है। और इधर कागज रहा, एक बार गए थे हम लोग पारस हॉस्पिटल, देखिए रहा पारस हॉस्पिटल का कागज। और हमें सब मेडिका में ही इसका ऑपरेशन हुआ था, मेडिका में ही दिखा रहे थे। तो अभी फिलहाल हम लोग रूम से अब निकल रहे हैं, जा रहे हैं, क्योंकि 1 घंटा समय लगेगा, फिर जांच देंगे ब्लड टेस्ट के लिए, वहाँ 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 से 2 घंटा बैठना पड़ेगा। इसके बाद फिर डॉक्टर के पास दिखाएंगे। और एक मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो चुका है दोस्तों, देखिए ये मेरा आँख लाल क्यों हो गया है पता नहीं, अब ऐसा क्यों हो रहा है सो नहीं पता, लेकिन ये आँख लाल हो गया पूरा। रात में पूरा लाल हो गया था, अभी थोड़ा सफा हुआ। और इधर देखिए हम भी दिखा लेंगे, थोड़ा ड्रॉप वगैरह ले लेंगे क्या जी। तो खाना हम लोग खा लिए हैं और चलते हैं दिखा के और देखते हैं रिपोर्ट क्या आता है। चले जी, हेलमेट हेलमेट रखते हैं। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं जांच घर, डॉक्टर जी सरन जांच घर रांची, रिम्स के बगल में ही है। तो हम लोग जा रहे दोस्तों भी अंदर ब्लड देने के लिए प्रीति जी का। और इधर कागज ले लिए हैं, चलो जी अंदर चलते हैं। और कुछ उठा के हेलमेट वगैरह, हेलमेट ले लो। दोस्तों देख सकते हैं प्रीति जी का ब्लड सिस्टर ले रही है और ब्लड लेना हो गया है और रिपोर्ट आएगा करीब 1.5 घंटे के बाद। दोस्तों ब्लड टेस्ट के लिए दे दिए हैं प्रीति जी का और अभी रिपोर्ट आने में करीब 1.5 घंटा का समय लगेगा, 11 बजे रिपोर्ट मिलेगा। हम लोग यहाँ पहुँचे दोस्तों 9:10 में पहुँचे, तो अभी बोला 11 बजे तक रिपोर्ट मिल जाएगा। और रिपोर्ट मिलने के बाद ही डॉक्टर के पास जाएंगे। और अभी फ़िलहाल हम लोग बैठे हैं यहीं पे जयसरन जांच घर के कैंपस में ही बैठे हुए हैं, बाहर अंदर नहीं बैठे हम लोग, इस बार बाहर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए पेड़ वगैरह है, मस्त यहाँ लग रहा है क्या जी, छाया में बैठने में अच्छा लग रहा है। तो यहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं और मेरा एक आँख दोस्तों अभी तक लाल है जी, ठीक हो रहा है जी, देखना थोड़ा थोड़ा उसी तरह है। दोस्तों रिपोर्ट मिल चुका है हम लोग को, 1.5 घंटा इंतजार करने के बाद रिपोर्ट आ गया है। ये रहा दोस्तों रिपोर्ट पेपर और हम लोग चलते हैं डॉक्टर के पास लेके और देखते हैं इस बार का रिपोर्ट क्या आया हुआ है, रूम जाकर बताएंगे। फिलहाल अभी बिजी है क्योंकि, चलो जी जल्दी चलते हैं दिखाएंगे डॉक्टर। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं डॉक्टर के पास और अब चलते हैं दिखाने के लिए। और ये दोस्तों पल्स हॉस्पिटल है, यहीं बगल में ही है और पीछे पेट्रोल पम्प है और ये गेट रहा दोस्तों ठीक है, ब्लैक कलर का गेट है। तो अभी चलते हैं अंदर, चलो जी उतरो, देखते हैं वहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं है। तो डॉक्टर से दिखा चुके हैं और क्या बोले डॉक्टर रूम जाके बताएंगे, पहले चलते हैं कुछ खाते हैं क्योंकि दोस्तों बहुत समय हो चुका है, 12 बजे 1 घंटा इंतजार करना पड़ा। और अभी जा रहे हैं कुछ खाएंगे, पहले डॉक्टर से दिखाने के बाद डायरेक्ट हम लोग रूम आ चुके हैं, कुछ उधर खाए नहीं, रूम ही लेके आ गए हैं, रूम में ही खाएंगे। और इस बार का रिपोर्ट दोस्तों थोड़ा सा ठीक है अगला बार के रिपोर्ट से। और इस बार डॉक्टर हम लोग को बुलाए हैं 2 महीना बाद, तो 2 महीने के बाद आएंगे जस्ट फिर से दिखाने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों चलते हैं कुछ खाते हैं क्योंकि बहुत जोर से भूख लग चुका है, तो पहले खाएंगे इसके बाद फिर कहीं प्लान होगा तो कहीं जाएंगे शाम तक क्या जी।
तो आज के ब्लॉग बस अब यहीं समाप्त करते दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय जवाहर।